जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें आप सब स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसका जब डेरिवेटिव लिया जाता है सेकंड ईयर, तो हमारे पास इसके लिए जो बेसिक टेक्निक यूज होती है डेरिवेटिव्स की वो है डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये इसका प्रूफ है। साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो आपके पास आंसर जो है वो कॉस एक्स के बराबर हो। अब आप ये देखिएगा जो यहां पर कॉस एक्स की वैल्यू है इसका जब डेरिवेटिव लिया जाएगा साइन एक्स का तो वो कॉस एक्स के बराबर होगा। आप इसके लिए प्रूफ लेंगे लेट वाई साइन एक्स y जमा डेल्टा y x जमा डेल x। अब सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दें x जमा डेल x, तो ये हो जाएगा डेल्टा y, ये होगा आपके पास cos x जमा डेल x आइडेंटिटी फर्स्ट ईयर की। डेल एक्स मंथी एक्स बटा दो, ये जो फॉर्म आपके पास है ये डेरिवेटिव्स की एबनिशियो मेथड की टेक्निक है और इसमें जब भी हम इस फॉर्म को हल करते हैं तो इसके लिए साइन एक्स को हमेशा एबनिशियो मेथड से हल किया जाता है। इस टेक्निक की मदद से हम आज मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे और इनमें डेरिवेटिव्स को सॉल्व आउट किया जाएगा। साइन एक्स होगा, कॉस होगा और टेन होगा। ये आपके पास आइडेंटिटी थी, इसमें ये वाली वैल्यू पी है जबकि ये वाली वैल्यू क्यू क्लास। तो डेल्टा वाई एक्स और एक्स टू एक्स डेल एक्स और साइन डेल एक्स कॉस साइन डेल एक्स बाई टू। आप इसको डेल एक्स पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा टू एक्स डेल्टा एक्स बाई टू और साइन डेल एक्स बाई टू। यहां जो आपके पास फॉर्म है डेल्टा एक्स की ये डेल एक्स हो, इस डेल एक्स को साइन पी साइन क्यू के फॉर्मूले से जब इसे हल करेंगे तो इट मीन यहां पर आपके पास डेल्टा एक्स बाई टू। अब आप देखिएगा यहां डेल एक्स पे डिवाइड करने के बाद लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो, एक्स जमा डेल एक्स बाय टू डेल एक्स बाय टू डेल एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। आप यहां फॉर्म देखिए कि जैसे ही हम यहां पर साइन पी और साइन टू का ये फार्मूला लगाते हैं आपके पास टू कॉस बाय टू और पी बाय टू, दो इस पे डिवाइड हो जाता है। ये जो दो है ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद वही मल्टीप्लाई हो गया, वो सेम फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास dy वाई बाई डी एक्स ये वाली वैल्यू 1 के बराबर है क्योंकि थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेन टू जीरो इक्वल टू 1 और यहां x जमा 0 बाई टू और 1
dy by dx क्या होगा? cos x. This is the derivative of cos x. Derivative of sin x. Similarly, we prove derivative of cos, which is equal to minus sin. और ये जो माइनस साइन की फॉर्म है, इसमें आइडेंटिटी यहां नेगेटिव में हो जाती है, बाकी सारा क्वेश्चन ये सेम हो. अब यही वैल्यू यहां पर आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विच इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स. टेन एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, साइन बटा कॉस और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ये जो आप फॉर्म देखते हैं, इसमें कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास मंथली साइन होगा, जबकि साइन का डेरिवेटिव यहां पर कॉस एक्स होगा. मंथली कॉस एक्स और मंथली साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, वन ओवर cos square x, 1 over cos square x, secant square x. ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स के अंदर डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज के अंदर एक चीज कॉमन होगी, आप इसे हल करेंगे और इसका सॉल्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ab initio मेथड और बाय डेफिनेशन. इन फार्मूलाज की मदद से आप इसे हल करेंगे. ये आपके पास डेरिवेटिव था tan x का. इसी तरह अगर आप क्वेश्चन यहां देखें इसी से रिलेटेड, d by dx sin x cos x, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. आप चूंकि प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके हैं, उस प्रोडक्ट रूल में यही था, पहली रकम सेम उसी तरह, डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स के साथ से डेरिवेटिव जो थीटा है, थीटे के साथ से डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव मल्टी साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन स्क्वायर एक्स जमा कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होगा. और ये जो फॉर्म है, ये फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को इसकी मदद से हम हल करेंगे. ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, इसमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन लिया जाता है हमेशा. अगर एक्स है तो एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव होगा, अगर यहां पर वाई इन्वॉल्व होगा तो हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को वाई के हिसाब से हल करेंगे. यहां एक चीज क्लियर कीजिए कि अगर आप डेरिवेटिव यहां लेते हैं, वो आपके पास डेरिवेटिव है cos 2x का, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x. फिर यहां जिस चीज का दोबारा डेरिवेटिव होगा वो ये एंगल होगा, मल्टीपल होगा, जिस तरह आप पावर रूल में बगैर पावर के डेरिवेटिव लेते हैं, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या होगा डेरिवेटिव, पावर रूल लगेगा, फोर पावर लें, फोर में से एक माइनस, फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव ये होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर. अब डेरिवेटिव इसका क्या होगा, कॉन्स्टेंट का जीरो, एक्स का टू एक्स, जबकि यहां साइन टू एक्स आ चुका है, जबकि टू एक्स का डेरिवेटिव टू,
इसका रिकॉर्ड आंसर होगा। ये जो फॉर्म है ये डेरिवेटिव्स फॉर्म। हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके हिसाब से करेंगे आप। जरा नेक्स्ट लेक्चर्स में देखिएगा कि मैं इसको प्रोडक्ट रूल को मुख्तलिफ रूल्स को अप्लाई करूंगा और तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं इसकी मदद से लूंगा। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का आगाज हुआ। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी पे प्रोसीड करूंगा, इसी पे रखूंगा ताकि आप इसे अच्छे तरीके से डेरिवेटिव्स को सही फॉर्म में चेक कर सकें। थैंक यू वेरी मच।